हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हरियाणा में जो है पुलिस की भर्ती 2024 जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो जो है वो जल्द जो है आने वाली है, और उसको देखते हुए दोस्तों सरकार ने कुछ जो है डिसीजन लिए हैं वो आपके हक में है। वो डिसीजन जो लिए गए हैं, क्योंकि जैसा आप सभी को पता था कि कोरोना काल में जो है आप सभी के जो है 3 साल निकल गए थे क्योंकि वैकेंसी नहीं आई थी, और मैक्सिमम एज जो है वो स्टूडेंट्स की हो चुकी थी, और कई स्टूडेंट्स जो है एज इतनी एज पे पहुंच चुके थे कि वो फॉर्म भरने के एलिजिबल भी नहीं थे। तो उसको देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने यहाँ डिसीजन लिया है, और आप देख सकते हो अब जो है कॉन्स्टेबल की वैकेंसी के लिए 18 से 28, पहले 25 साल होती थी लेकिन अब जो है 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। अब जो है 28 तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जो बात करें SI की जो वैकेंसी आती है सब इंस्पेक्टर की, उसके लिए जो है पहले 27 एज होती थी, और जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं, अब जो है ये 30 हो चुकी है। तो अच्छी बात है, और भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए भर्ती में बैठने का और एग्ज़ाम देने का और नौकरी लगने का। सभी को बराबरी का जो है मौका दिया है सरकार ने, ये बहुत पॉजिटिव है सबके लिए। क्योंकि अब जितने भी भाई थे जो रह रहे थे 2-3 साल से कि जिसकी एज ओवर हो चुकी थी, वो अब जो है तैयारी कर सकते हैं हरियाणा पुलिस की। तो भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जो है वो जारी होने वाला है। आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करें, आप अपनी तैयारी में लग जाएं। धीरे धीरे जो है स्टडी आपने जैसे CET में भी तैयारी की होगी तो कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहें। एक एग्ज़ाम नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं, चौथा एग्ज़ाम तो आपका क्लियर होएगा। तो ये वीडियो आपके लिए लेके आया था एज रिलैक्सेशन के लिए के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।